नीतीश पहुंचे मुख्य सचिवालय, सिंचाई योजना की कर रहे समीक्षा, विभाग के प्रमुख सचिव और अधिकारियों के साथ बैठक। वैक्सीनेशन से पहले जोरों पर तैयारियां, देश में 700 ज्यादा जिलों में दूसरा ड्राई रन, बिहार में भी सभी जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का ड्राई रन। पटना में जदयू की राज्य कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक, 9 और 10 जनवरी को होगी बैठक, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। पटना के बेल्ट्रॉन भवन में भारी हंगामा, कंप्यूटर ऑपरेटर का हंगामा, पुलिस ने किया लाठी चार्ज, नियुक्ति को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर का हंगामा। और नालंदा में एक हैवान पति ने पत्नी के ऊपर एसिड से किया अटैक, पत्नी बुरी तरह से जख्मी, गंभीर हालत में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती। राजद सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ जेल मैनुअल उल्लंघन का मामला, झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, 22 जनवरी तक सुनवाई चली। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य सचिवालय पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवालय में साल के पहले दिन कामकाज करने के बाद भी यह कहा था कि यह अब अवसर सचिवालय में आया करेंगे और हफ्ते भर बाद सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्य सचिवालय पहुंचे हैं और पुराना सचिवालय सत्रकक्ष में सीएम नीतीश अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचकर सिंचाई योजना की समीक्षा कर रहे हैं और बता दें आपको कि उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन और राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ साथ अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। तो सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्य सचिवालय पहुंचे हैं और बता दें आपको कि सिंचाई योजना की समीक्षा कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार और इस दौरान विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। साथ ही बता दें कि कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद दिख रहे हैं। खबर पटना से, जहां पर जदयू की राज्य कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक और 9 और 10 जनवरी को होगी बैठक। 9 जनवरी को 3 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और 10 जनवरी को 11 बजे से प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय के कारणों की समीक्षा होगी। तो बता दें कि जेडीयू की दो दिवसीय बैठक होगी और जेडीयू कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। 9 और 10 जनवरी को यह बैठक बुलाई गई है। बता दें आपको कि प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। खबर पटना से, पटना के बेल्ट्रॉन भवन में भारी हंगामा देखने को मिला, कंप्यूटर ऑपरेटर का हंगामा देखने को मिला। कंप्यूटर ऑपरेटर का आरोप लगातार कि आश्वासन के बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं की गई। भवन में ही धरने पर बैठे थे कंप्यूटर ऑपरेटर और भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया गया था। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है और बता दें कि बेल्ट्रॉन भवन में काफी संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटर पहुंचे गए थे और जमकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे। इसको लेकर पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। तो इसके लिए तस्वीरें जहां पर बेल्ट्रॉन भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर का हंगामा देखने को मिला और फिर पुलिस को हंगामा शांत कराने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव पटना से, जहां पर बता दें कि बेल्ट्रॉन भवन में भारी हंगामा देखने को मिला और कंप्यूटर ऑपरेटर का हंगामा था, जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर कह रहे हैं कि उनका आरोप है कि आश्वासन के बाद भी नियुक्ति नहीं की गई है। इसको लेकर वो हंगामा कर रहे थे और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे और पुलिस को कहें कि, बता दें आपको कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और काफी हंगामा बढ़पा। कंप्यूटर पर बैठे हुए थे, वो इलीगल धरना उनका था, गलत धरना था, उनकी मांगे भी गलत थी। ये बेल्ट्रॉन केवल प्रशिक्षण देता है, नौकरी नहीं देता है। विभाग से अगर आएगा रिक्वेशन तब ये जो है सीनियरिटी के हिसाब से पैनल बना करके विभाग को देते हैं। यहाँ लाठी चार्ज भी हुई? नहीं, लाठी चार्ज नहीं हुआ है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं संवाददाता मरगू बाला। मरगू, जाना चाहेंगे पटना के बेल्ट्रॉन भवन में हंगामा देखने को मिला, फिलहाल क्या स्थिति है? मैंने कहा था कि जिस तरीके से बेल्ट्रॉन भवन के हालात हैं, हालात काफी खराब थे। मुख्य
जो बेल्टन भवन का जो मुख्य कह सकते हैं मार्ग है, जो मुख्य दरवाजा है, उसको इन लोगों ने बंद कर दिया था। ये अपने आप में बड़ा गंभीर था और लगभग 500 से ज्यादा संख्या में इन लोगों ने वहां हंगामा करके नारेबाजी करके बैठ गए थे। अधिकारियों को आने नहीं दे रहे थे, लोगों को आने नहीं दे रहे थे और स्थिति बहुत खराब थी। वहां पुलिस की टीम पहुंची थी, इनको समझाने का प्रयास किया गया, नहीं माने, तब जाकर के वहां सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे, उनसे इनकी झड़प हो गई, उनसे इनकी बातचीत हो गई। जब बात हो गई तब जाकर के पुलिस ने वहां जम करके लाठीबाजी है, कई लोगों को चोटें लगी हैं, क्योंकि वहां पर एक दीवाल है, उस दीवाल से जो कई लोग कह सकते हैं तड़प के भागे हैं, उनमें कई महिलाएं हैं, उनको चोटें लगी हैं, कई युवक हैं, उन्हें चोटें लगी हैं और दर्जन भर कह सकते हैं लोग वहां घायल बताया जा रहे हैं। फिलहाल वहां से सभी लोग फरार हो गए हैं, भाग खड़े हुए हैं, पुलिस उनको अभी भी खोज रही है। तो पूरा जो बेली रोड और जो बेल्टन भवन का इलाका है अभी भी रणक्षेत्र बना हुआ है, इसलिए कि उस पूरे इलाके में अभी भी बेल्टन के अभ्यर्थी जमे हुए हैं और अभी भी हंगामा कर रहे हैं। पुलिस उन्हें खदेड़ खदेड़ के भगा रही है, पुलिस जहां देख रही है वहां उस पर लाठीचार्ज कर रही है। तो बिल्कुल कह सकते हैं स्थिति बहुत खतरनाक थी। मैंने 11 बजे 11 बजे भी अपने दर्शकों को बताया था कि हालात बहुत खराब है, पुलिस वहां कानूनी कार्रवाई करेगी, अंतर्स्वागत पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी है। और फिलहाल स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में अभी बेल्टन भवन के आसपास पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और वो लोग किसी प्रतिबंधित इलाके में न जाए, उन इलाकों में भी पुलिस को तैनात कर दिया गया। तो चूंकि स्थिति बहुत खराब थी, अंततः पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। साहिबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमर गुप्त, आपको पटना से खबर, जहां पर बेल्टन भवन में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कंप्यूटर ऑपरेटरों का हंगामा देखने को मिला था, जिसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। रांची से बड़ी खबर है, जहां पर राजद सुप्रीमो लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर सुनवाई टली है। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, वरीय पुलिस अधीक्षक और जेल आईजी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई और 22 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जेल मैनुअल के उल्लंघन से जुड़े मामले में आज सुनवाई होनी थी और रांची में झारखंड हाईकोर्ट चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से जेल मैनुअल का उल्लंघन किया जाने के मामले में सुनवाई होती और हाईकोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जेल मैनुअल के उल्लंघन का मामला हाईकोर्ट में उठाया था और झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से लालू यादव को रिम्स अस्पताल के पेइंग वार्ड से केली बंगला और केली बंगला से वार्ड में शिफ्ट किए जाने को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने साथ ही यह भी पूछा था कि किसके आदेश पर ऐसा किया गया। इस पर अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची संवाददाता संदीप। संदीप, जाना चाहेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर आज सुनवाई होनी थी, क्या कुछ जानकारी? तो एक बार फिर से हम संदीप से जुड़ेंगे। संदीप, जाना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर आज सुनवाई होनी थी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी, जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी और चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हैं लालू प्रसाद। फिलहाल यदि बात करें तो वे रांची के रिम्स पेइंग वार्ड में उनका इलाज चल रहा है और कोरोना के दरमियान कह सकते हैं पेइंग वार्ड से लालू प्रसाद यादव को केली बंगला में शिफ्ट किया गया था और वहाँ पे जो जेल मैनुअल का उल्लंघन, कई लोग जैसे जेल मैनुअल के अनुसार प्रत्येक शनिवार को 3 लोग मुलाकात कर सकते थे और कई ऐसी बातें आई थी कि लालू प्रसाद से जो मुलाकात है वह सिर्फ शनिवार ही नहीं, शनिवार के अलावे भी, और 3 लोग से अधिक लोग भी मुलाकात करते थे। तो इसी मामले पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और इसमें जो जेल अधीक्षक है उनसे पहले रिपोर्ट मांगी गई थी, क्या जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ था या उल्लंघन हुआ था तो कितने लोगों ने लालू प्रसाद से उस दरमियान मुलाकात की थी, और इसकी रिपोर्ट जेल अधीक्षक ने पिछली डेट यानी 18 दिसंबर को पिछली बार इस मामले पर सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में। पर हाईकोर्ट इस जेल अधीक्षक के जो कह सकते थे उत्तर थे उससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट इससे मांगी थी और आज के डेट में जेल अधीक्षक की ओर से विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई है। अब आज सुनवाई के बाद इस मामले पे अगली सुनवाई 22 जनवरी को रखा गया है, यानी आज के बाद इस मामले पे अब 22 जनवरी को सुनवाई होगी। जी संदीप, एक और बात, जिस प्रकार से अब 22 जनवरी को सुनवाई होगी, लगातार कहें कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जहां पर जेल मैनुअल उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ उन पर इसके बाद अब इसकी सुनवाई को भी लेकर आगे की डेट जो है, तिथियां जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। जी सही कहा, क्योंकि जिस तरह से यदि बात करें लालू प्रसाद यादव के तो कई मामले थे लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में और अब भी जमानत के एक मामले में उनकी सुनवाई नहीं हुई है, यही वजह है कि उन्हें जेल में ही अभी रहना पड़ रहा है।
और इससे पहले यदि बात करें तो जो प्रत्येक शनिवार को लोग मिलते थे लालू प्रसाद से पेइंग वार्ड में, तो जेल मैनुअल के अनुसार मात्र 3 लोग को ही परमिशन मिलता था और वे लोग शनिवार, हर शनिवार को कह सकते हैं, उनसे मुलाकात होती थी। और बीच कोरोना के कारण उन्हें जो शिफ्ट किया गया था केली बंगला में, तो वहां देखा गया कि चाहे बिहार या झारखंड से काफी संख्या में जो लोग आते थे और गेट के बाहर यह आस में रहते थे कि कैसे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो जाए, कई लोग इसमें सफल भी होते थे। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में कह सकते हैं यह मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद इससे पहले भी विगत 18 दिसंबर को सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था जेल अधीक्षक को कि इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वह कोर्ट को सौंपे। और पिछले बार जो रिपोर्ट सौंपी गई थी कोर्ट को, तो उससे कोर्ट ने संतुष्ट नहीं हुए थे और यही वजह थे कि उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। आज जेल अधीक्षक की तरफ से जो विस्तृत रिपोर्ट है इस मामले पर वह कोर्ट में सौंपा गया है, उस मामले पर चर्चा भी हुई है। चर्चा के बाद कह सकते हैं इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में अब सुनवाई, अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। आज भी सुनवाई हुई लेकिन फिलहाल 22 जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बता दें कि बिहार समेत पूरे देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य में एक बार फिर से ड्राई रन किया जा रहा है और पटना में भी 4 स्थानों पर ड्राई रन का आयोजन किया गया। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, पारस हॉस्पिटल और खगौल का अनुमंडल अस्पताल में ड्राई रन हो रहा है। आपको बता दें पटना के पीएमसीएच का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौतम गौड़ ने। ड्राई रन को लेकर आज दूसरे फेज की जो कही जा सकती है व्यवस्था को जांच करने के लिए तमाम वैसे हॉस्पिटल जो चिन्हित कर वैक्सीनेशन के लिए चयनित किए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, पटना में 4 जगहों पर जो है आज ड्राई रन किया जा रहा है। खगौल, एनएमसीएच, पीएमसीएच और पारस हॉस्पिटल, वहाँ पर जो है ये ड्राई रन की व्यवस्था की गई है। पीएमसीएच में है और यहाँ पर जो ड्राई रन को लेकर जो कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको आज वैक्सीनेशन किया जाएगा। तमाम लोगों को जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जा रही है। विशेष सचिव राज्य स्वास्थ्य समिति के मनोज कुमार जी हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से तैयारी की जाए। मनोज सर, जिस तरह से तैयारी जो इंजेक्शन दे रहे हैं पहले चरण में स्वास्थ्य कार्यों को रखा, मैं ब्रीफ करूंगा अभी थोड़ी देर में, ब्रीफ निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं और ये पूरी प्रक्रिया जो है फेज बाई फेज बनाई गई है। पहले प्रतीक्षा कक्ष रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जो कहा जा सकता है जो स्वास्थ्य कर्मी है उनका जो कहा जाता है कि वैक्सीनेशन किया जाएगा। हम चलते हैं वैक्सीनेशन कक्ष के तरफ, वहाँ पर जो वैक्सीनेशन किया जाना है उसको लेकर हम आपको दिखाते हैं। सभी रूम को तैयार करके रखा गया है, प्रतीक्षा कक्ष बनाया गया है, वैक्सीनेशन कक्ष बनाया गया है, रजिस्ट्रेशन कक्ष बनाया गया है और यहाँ पर देखिए ये टीका कक्ष है, यहाँ पर टीका होगा और जो भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। 25 लोग जो हैं स्वास्थ्य कर्मी दूसरे चरण में भी जो उन्हें चिन्हित किया गया उन लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए सिरिंज, स्पेशल सिरिंज भी जो है यहाँ पर ला दिया गया है, जो वैक्सीनेशन किया जाएगा 25 लोगों की। आप लोगों को तैयारी रखने की पूरी तैयारी? हाँ जी, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जो भी हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, हमारे पास सब कुछ अभी अरेंज्ड है। कितने लोगों को आप लोग टीका लगाना है? मैक्सिमम 20 to 25 लोगों को आज हम देंगे। स्वास्थ्य कर्मी है? हाँ हाँ। इंजेक्शन देने के बाद क्या उन्हें रेस्ट रूम में जाना है? जी, वी हैव ऑब्जर्वेशन रूम, तो हम लोग अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स पेशेंट में दिखते हैं तो हम उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे फॉर हाफ एन आवर के लिए। आधे घंटे तक जो है उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, टीका यहाँ पे दिया जाएगा और इस कक्ष में आने से पहले बहुत सारी प्रक्रिया है। जो लोगों का नाम है, जो रजिस्ट्रेशन है, पहले से स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों के नाम चयनित कर लिया गया, सभी जगह पर मिलान होगा। ये तमाम आज जो लोग हैं 25 लोग, इन 25 लोगों की सूची यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं और जो टीका देने की जो व्यवस्था है यहाँ पर
सभी चीज़ ला दी गई है। स्टोरेज भी एक इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं जो ये बॉक्स है फ्रीजर के रूप में काम करेगा, यहाँ पर इंजेक्शन इसी में रखा जाएगा, इसी में इंजेक्शन को रखा जाना है, वैक्सीनेशन इसी में प्लेस किया हुआ है। चलिए, जो जरूरी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर जो देखा था यहाँ पर कि जो वैक्सीनेशन रखने की जो प्रक्रिया है इसमें कूलिंग फ्रीजर होना चाहिए और फ्रिज के साथ ही जो है ये फैसिलिटी है। यहाँ पर देखिए लोगों को ऑब्जर्वेशन रूम है, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें रोका जाएगा। सर, आपके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिन लोगों को इंजेक्शन दिया जाएगा यहाँ पर ऑब्जर्व उनको करना है, क्या कुछ आप लोग सिम्टम देखेंगे, कुछ अगर गलती हो दिक्कत होती है तो कैसे उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा? देखिए 30 मिनट तक हमको उन्हें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जब वो आएंगे, आने के बाद अगर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए अगर उनका थोड़ा सा पल्स रेट बढ़ गया या ब्लड प्रेशर थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया, तो उसके लिए हमारे पास इमरजेंसी की दवा वगैरह सब रखी हुई है यहाँ पे, वो सब हम लोग देखेंगे। देखने के बाद फिर उन्हें जिस तरह से होगा हम लोग देखेंगे। आधे घंटे तक क्या कुछ सिम्टम माना जा सकता है कि ये कुछ तबीयत खराब हो तो ये देखेंगे, लग सकता है बीपी लो ये सब? हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर लो हुआ, बहुत तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, पसीना थोड़ा ज़्यादा आया, वो सब चीज़ हम लोग मैनेज करेंगे, यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए वेटिंग रूम है और यहाँ पर तमाम लोग तैयार हैं, 25 लोगों की जो सूची है वो सूची यहाँ पर देखा जाएगा। और वैक्सीनेशन के बाद जो कहा जा सकता है कि 25 मिनटों तक जो कहा जा सकता है कि तैयारी कर रखी गई है, 25 लोगों की तैयारी कर रखी है, 30 मिनट के बाद जो है उन्हें यहाँ से घर भेजा जाएगा, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, कोई अगर दिक्कत होती है तो तुरंत पर स्वास्थ्य लाभ के। खबर सिवान से, जहां पर कोरोना वैक्सीन का 3 जगहों पर ड्राई रन होगा। बता दें आपको कि सदर अस्पताल सिवान, अनुमंडल अस्पताल सिवान और महाराजगंज में ड्राई रन होगा। हुसैनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ड्राई रन होगा। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सिवान से संवाददाता जोशो के निरंजन। निरंजन, जानना चाहेंगे सिवान में कोरोना वैक्सीन का 3 जगहों पर ड्राई रन होगा, किस तरीके से इसको लेकर, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सिवान में जो स्वास्थ्य विभाग के 25 लोग थे उनमें उत्साह देखने को मिला, और साथ ही किस तरीके से पूरी प्रक्रिया क्या रही, ये बताएं। देखिए साहिबा, अब से कुछ देर पहले 12 बजे के लगभग में सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया, जहां पर आपको बता दें कि 25 जो स्वास्थ्य कर्मी थे उन सभी के बीच ये ड्राई रन की शुरुआत की गई है। सिविल सर्जन वाईएन शर्मा जैसे ही पहुंचे, उसके बाद जो कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होना था सबसे पहले उनको सैनिटाइज किया गया, फिर उनको थर्मल स्क्रीनिंग से स्क्रीन किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया, उसके बाद से जो वैक्सीन की जो प्रक्रिया है कैसे देना है उसको किया गया। साथ ही एक और चीज वहां दिखाया गया कि अगर किसी को कोरोना वैक्सीन अगर दे रहे हैं, अगर वो रिएक्शन हो जाता है तो उससे कैसे बचेंगे, कैसे उसको बचाएंगे मरीज को, उसकी भी जो है कि मॉक ड्रिल की गई, उसकी भी तैयारी जो है कि सदर अस्पताल में मुकम्मल व्यवस्था जो है कि किया गया है, और पूरी तरह से सदर अस्पताल के जो 25 स्वास्थ्य कर्मी थे वो काफी उत्साह थे, और उनमें आज ये देखने को मिला है, उनसे बात भी मैंने किया था, तो उनमें एक अलग का उत्साह है। उनका ये कहना है कि कोरोना वैक्सीन आज हम लोग मॉक ड्रिल किए हैं, ड्राई रन किए हैं, अब लगता है कि सिवान के लोग ही नहीं पूरे बिहार, पूरे इंडिया के लोगों को कोरोना वैक्सीन जल्द मिल जाएगा। जी चलाया गया, बता दें आपको कि स्वास्थ्य कर्मी के 25 जो लोग हैं उन्हें चयनित किया गया, और इन्हें कोरोना वैक्सीन किस तरीके से दिया जाए, और कोरोना वैक्सीन देने के बाद 25 मिनट उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, ये तमाम चीजें की गई ताकि कोरोना वैक्सीन जब लोगों तक पहुंचे, जब आम लोगों तक पहुंचे, जो तमाम चीजें हैं वो ध्यान से किए जाए, इसको लेकर ये मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। इससे पहले भी 2 जनवरी को कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चलाया गया, तो आज एक बार फिर से ये सेकंड फेज है ड्राई रन का, जहां पर पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चलाया जा रहा है, और पटना में भी ड्राई रन चलाया गया। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, पारस और अनुमंडल अस्पताल में ड्राई रन चलाया गया। वहीं सिवान की बात कर लें तो सिवान में भी ड्राई रन चलाया गया, और साथ ही खगड़िया और मधुबनी इन जगहों पर भी, यानी कि बिहार के पूरे जिले में ड्राई रन चलाया जा रहा है, ताकि लोगों तक किस तरीके से जब कोरोना वैक्सीन आ जाए हम तक किस तरीके से दिया जाना है, इसको लेकर एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो हम एक बार चलेंगे मधुबनी, जहां पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जानना चाहेंगे मधुबनी में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चलाया गया, किस तरीके से वहां की तस्वीरें थी, जिस तरीके से 25 लोगों को
कोरोना वैक्सीन किस तरीके से देना है और किस तरीके से 25 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखना है, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रही है बताएं। इस साहिबा बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर के जिले में जो है सो काफी लोगों में दहशत है। इस कारण जो है सो जिला प्रशासन जो है कोरोना वैक्सीन जो दिया जाएगा डोज लोगों को उसको लेकर के पूरी तरह से जो है सो तैयारी कर चुकी है। हम बताते चले कि यहाँ पर जो है सो तकरीबन 577,667 लोगों की जांच हुई और 73,221 मामले सामने आए। 72,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अभी 28 एक्टिव केस हैं यहाँ पर जी। और यहाँ कोरोना वैक्सीन को लेकर के तीन जगह में जो है सो ड्राई रन किया गया। डीएम जो है अमित कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा के नेतृत्व में उनकी देखरेख में हुई है। मधुबनी सदर अस्पताल में, मधुबनी मेडिकल कॉलेज में और रायका पीएससी में यहाँ सफल रहा ये कोरोना वैक्सीन का जो ड्राई रन है यहाँ पर। और काफी प्रशासन जो है सो कोरोना वैक्सीन दिए जाने के बाद की जो व्यवस्था जो परिस्थिति उत्पन्न होगी उससे निपटने की पूरी तैयारी प्रशासन कर चुकी है। और उस समय जब कोरोना वैक्सीन लोगों को दिया जाएगा जो स्वास्थ्य कर्मी है सबसे पहले उन्हें 25-25 करके उसके बाद जो उनकी स्थिति होगी उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन अपनी ओर से पूरी तैयारी कर चुकी है और उसका दावा भी कर रही है कि हम हर परिस्थिति से निपट लेंगे। चिकित्सक है उनकी भी तैनाती है और जब ये जरूरत पड़ेगा ये लोग जो है तो व्यवस्था से निपटने के लिए तैयार है किसी भी परिस्थिति से। जी साहिबा बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अकबर मधुबनी में भी ड्राई रन चलाया गया कोरोना वैक्सीन को लेकर, देशी सहित बिहार झारखंड में भी ड्राई रन चलाया जा रहा है और किस तरीके से कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा लोगों को इसकी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देश और दुनिया में कोरोना की महामारी ने लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। इसी बीच गोपालगंज में दो बार आई बाढ़ ने जिले के दियारा इलाके में ज्यादा तबाही मचाई जिसकी वजह से जिले की लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। इन सबके बीच कुछ परिवार ऐसे भी थे जो कोरोना और बाढ़ से इस कदर बेहाल हो गए थे जिन्हें रहने के लिए ना तो घर बच गया था और ना ही खाने के लिए पैसे थे। अगर आप सही में उनकी सही तरीके से अगर सेवा कर रहे हैं तो कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये आप अपने घर पर रख के अच्छे से कर सकते हैं। तो जिनको कोरोना हुआ उसमें हम लोगों ने जाके उन लोगों की मदद की, उनको समझाया कि ये ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है क्योंकि इसके चलते लोग डर के मारे मर जा रहे थे। सेवा है और उसके अंतर्गत पहला जैसे लवारिस सौ का अंतिम संस्कार, लेकिन जो इस समय वर्तमान में जो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, जो निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा है जो 20 गांव को जोड़ रही है, 24/7 पेशेंट को सदर अस्पताल तक निःशुल्क पहुँचाती है, इसका तत्काल में शुरुआत किया गया है। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित नवरूणा कांड में सीबीआई की ओर से विशेष कोर्ट में जमा फाइनल रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। इस दौरान सीबीआई के वकील और अधिकारी मौजूद रह सकते हैं, साथ ही नवरूणा के परिजन और उनके अधिवक्ता रहेंगे। सीबीआई ने विशेष कोर्ट नवरूणा कांड की फाइनल रिपोर्ट नवंबर 2020 में जमा की थी। इसमें घटना को सत्य और सूत्रहीन बताया था। इसके बाद इस कांड में जितने भी संदिग्ध सीबीआई के रडार और जांच के दायरे में थे सबको राहत मिली थी। मालूम हो कि 18 सितंबर 2012 को जवाहरलाल रोड स्थित अतुल्य चक्रवर्ती के घर से उनकी पुत्री नवरूणा का अपहरण हो गया था। उन्होंने नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। 14 फरवरी 2014 से ही इसकी जांच सीबीआई कर रही थी। इससे पहले पुलिस, सीआईडी और आईबी ने जांच की। इस पर जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मनोज जोशी के। मनोज, मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित नवरूणा कांड में सीबीआई की ओर से विशेष कोर्ट में जमा की गई है तमाम कागजात, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? मुजफ्फरपुर का नगर थाना क्षेत्र के जवाहर लाल रोड में ये हुई थी जघन्य अपराध। उसके बाद से ये बहुत सारा जांच हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो अपने देश का सबसे बड़ा जांच एजेंसी है सीबीआई, वो जांच किया। उसके बाद भी जो है उस पर कोई क्लू नहीं मिला। सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कोई मतलब उसको साक्ष्य नहीं मिला है ऐसा करके सबमिट कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 100 से 150 लोगों को सीबीआई ने हिरासत में लेकर के न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। समस्तीपुर से खबर, जहां पर सोना लूटकांड मामले में छापेमारी जारी है। दरभंगा पुलिस कर रही है छापेमारी। आपको बता दें कि समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से छापेमारी की जा रही है। समस्तीपुर शहर के नगर थाना के बहादुरपुर में छापेमारी की गई और नगर थाना क्षेत्र में
छापेमारी जारी है। समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से छापेमारी की जा रही है। सोना लूटकांड मामले में छापेमारी जारी है और दरभंगा पुलिस छापेमारी कर रही है। समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से छापेमारी जारी है। तो इस पर अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मंटून। मंटून, समस्तीपुर शहर के नगर थाना के बहादुरपुर में छापेमारी की जा रही है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, कल भी जो है पुलिस अलग अलग समस्तीपुर के अलग अलग क्षेत्रों में जो है दरभंगा एसटीएफ और नगर थाने के सहयोग से जो है अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है, जिसमें जो है कल पुलिस ने 7 लोगों को जो है गिरफ्तार किया था, जिसमें जो है 3.5 लाख का सोना जो है बरामद जो और कैश जो बरामद हुआ था उसको लेकर जो आज फिर जो है बहादुरपुर में जो है बोधा वाली जगह है जहाँ 26 नंबर वार्ड में जो है पुलिस जो दरभंगा पुलिस जो नगर थाना के सहयोग से जो है घंटों छापेमारी की है, जिसमें दो गिरफ्तारी होने की जो पुष्टि है। लेकिन पुलिस का जो बताना है, पुलिस जो है इस मामले पे कुछ भी बताने से लगातार परहेज कर रही है और जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो कल और आज जो है कुछ चीजें बरामद हुई है, कुछ सोने बरामद हुई है और साथ में जो है कैश जो है बरामद की गई है। जी साहिबा जी, मंटून बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि सोना लूटकांड मामले में समस्तीपुर में छापेमारी हुई और कुछ सोने भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल हम चलेंगे दरभंगा, जहां पर हमारे साथ संवाददाता गिरीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरीश, जानना चाहेंगे सोना लूटकांड मामले में जहां पर समस्तीपुर में छापेमारी हुई, वही दरभंगा में भी छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, दरभंगा पुलिस ने सोना लूटकांड में कहा तो दरभंगा और समस्तीपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से जो छापेमारी की, तो दरभंगा पुलिस ने कल एक वीडियो जारी किया है जिस वीडियो में साफ दिखता है कि दरभंगा पुलिस इसको कोई अहम सुराग मिला है और दरभंगा पुलिस जो है अब जमीन के अंदर जेसीबी से खुदाई कर सोना बरामदगी का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी भी कहे तो सूत्र के हिसाब से जो सोना बरामदगी की बात आ रही है, लेकिन दरभंगा के एसएसपी बाबूराम हम साफ तौर पर अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन सूत्र से जो जानकारी मिली है, जो दरभंगा पुलिस ने समस्तीपुर से कुछ सोना बरामद किया है, समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र के पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सोना लूटकांड मामले में जहां पर समस्तीपुर में छापेमारी हुई, वहीं दरभंगा में पुलिस और समस्तीपुर पुलिस संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है, हालांकि कुछ सोने की बरामदी भी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नालंदा की। नालंदा में हैवान पति ने अपनी पत्नी पर एसिड से अटैक किया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। पीड़िता को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पीड़िता रेशमा खातून के 4 बच्चे हैं और 5वां बच्चा पेट में है, जिसके कारण वो अबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन पति तबरेज इसके लिए तैयार नहीं था। बताया जा रहा है कि इस बात पर विवाद बढ़ने पर पति ने एसिड से हमला कर दिया। हम उसके साथ रहने नहीं मांग रहे थे। अच्छा, इसीलिए जबरदस्ती बोल रहा कि तू रह। अच्छा, रह, इसीलिए बच्ची बोले मेरा पति फेंक दिया तीजा। कौन तीजा फेंका था? मेरा सौहर। अच्छा, पेट में बच्चा भी है ना आपका? हाँ जी। अच्छा, ताही है वो ही फिर नहीं रहना चाह रहे थे, तो इसी वजह से डिलीवरी की वजह से कि हम ऑपरेशन करवा लेंगे, नहीं हमको और बच्चा चाहिए और बच्चा चाहिए, इसी वजह से मारपीट लगाते थे। इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।